जाम क्षीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्राव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जन जंशयति सा तीर्थोत्तम क्षीरवारुद्रूपके स्नापयामि तांतांजनान सर्वार्थधनम ओम ह्रीं शिशुबाधि वीरांतांजन सपयामि स्वाहा ओम ह्रीं शिशुबाधि वीरांतांजन सपयामि स्वाहा ओम ह्रीं शिशुबाधि वीरांतांजन सपयामि स्वाहा ओम ह्रीं शिशुवादी वीरांतांजन सपयामि स्वाहा ओम ह्रीं शिशुवादी वीरांतांजन सपयामि स्वाहा ओम ह्रीं शिशुवादी वीरांतांजन सपयामि स्वाहा ओम नमो अरम झम क्षीं क्षीं खम स झम वम रय स क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षूं क्षौं च क्षीं राम ह्रीं रूं रैं रों र द्रां द्रीं द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते ठठ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र संगस्थ समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य आचार्य समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य आचार्य समय सागर जी महाराज संगस्थ समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी स्वास्थ्य लाभस्य श्री अजित मेहता अनिता मोक्षी चर्या चर्या होमी मेहता परिवारस्य मोहित कोठारी शीतल भवी चाही प्रकाश चंद राजमती मेहता कोठारी परिवारस्य शिवम राजेश सावलकर गढ़चिरौली निवासी परिवारस्य कैलाश विश्वंबर परिवारस्य रोहिणी विश्वंबर शिरपुर निवासी परिवारस्य समस्त शांतिधाराकर्ता परिवारस्य स्त्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वा। सबसे पहले सम्यक दर्शन का आधारभूत कोई गुण होता है तो वह निशंकित होता है। निशंकित शब्द शंका से रहित होने को कहा जाता है और शंका का अर्थ भय है। शंका का अर्थ प्रश्न नहीं है। शंका का अर्थ एक समाधान की ओर जाने वाला नहीं है, अपितु जो समाधान वही कहलाता है जिसमें निर्भीकता आ जाए। हर आदमी डरता है, तो प्रश्न ये होता है किस चीज़ से डरते हैं। 7 प्रकार के भय हुआ करते हैं जिन भयों में व्यक्ति डरता है। सबसे पहले इस्लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, आकस्मिक भय, वेदना भय और इसके साथ साथ अनरक्षा भय और अगुप्ति भय। इन भयों के कारण से व्यक्ति अपने प्रभु की आस्था को छोड़ देता है। भय के कारण से व्यक्ति विश्वास को डगमगा देता है, क्योंकि सत्य उसे कभी समझ में नहीं आता जिसके अंदर भय होता है। और ये भय आदमी के अंदर से कई प्रकार की प्रवृत्ति पैदा करता है, तो आदमी गलत काम करता है और डरता है, लेकिन जो सही काम करता है, सही व्यक्ति से सही समय पर सही बात करने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं। और जो ये बात सोच ले कि मृत्यु है, मौत तो आने वाली है, मौत से डरने का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि मौत जो होती है एक ऐसा अटल सत्य है जो जीवन में एक बार ही आता है और हर व्यक्ति के पास आता है। तो अब डर किस बात का? अब हमारे सामने इस लोक का भय, लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस डर के कारण से व्यक्ति सत्य और न्याय मार्ग को छोड़ देता है। न्याय मार्ग को, सत्य को छोड़ने के 2 ही कारण हैं, एक भय और दूसरा लालच। और भय और लालच में सत्य का मार्ग छोड़ दिया जाता है, तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर निडरता आनी आवश्यक है। हर चीज़ में बीमारी भी आएगी, परलोक में क्या होगा, कौन क्या कर लेगा, ये जैसे परलोक तो हमारा आज जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमारा परलोक बनता है। परलोक कोई बनाता नहीं है, परलोक कोई बिगाड़ता नहीं है, किंतु हमारे अंदर के छुपे हुए पाप के कारण और पुण्य के कारण से परलोक बनता है। इसलिए हमें परलोक अगर सही करना है तो हमारे अंदर पापों की प्रवृत्ति अगर नहीं होगी तो परलोक बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि पाप प्रवृत्ति है तो परलोक तो बिगड़ने का है। आप डरें या न डरें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रहा सवाल इस बात का कि मृत्यु से डरने के बाद मृत्यु ने कहीं भी छोड़ा नहीं है। यदि कोई मृत्यु से डरता भी रहता है तो मृत्यु से छोड़ने वाली नहीं होती है। मृत्यु आना तो आना ही आना है। इस लोक में जो यश कीर्ति हमने काम पुण्य कमाया होता है उसके कारण से हमारा यश होता है और अयश कीर्ति अगर होता है तो हमारा पाप होता है।